आज जो 20 अक्टूबर 2019 को जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ पब्लिश हुई है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, उसमें फर्स्ट जो न्यूज़पेपर दी नेशन में पब्लिश हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया डेलीगेट्स विजिट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा टू असर्टेन पोटेंशियल फॉर कोलेबोरेशन। एक HEC का इनिशिएटिव है, US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर, उसके तहत बेसिकली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटरेक्शन हो रहा है ताकि पोटेंशियल जो भी इदारे हैं उनके साथ बातचीत करके इसको आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद डान में ये खबर पब्लिश हुई है कि कराची यूनिवर्सिटी में ओरिक के प्लेटफॉर्म से जो है सेमिनार हुआ, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया, और ये बात सामने आई कि जो इंडस रिवर है सेकंड मोस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड है, और 15% जो है ग्रोथ इसकी है, एनुअल ग्रोथ है प्लास्टिक पोल्यूशन की, जो रिवर में प्लास्टिक फेंकी जा रही है, और जो समंदर में कोई प्लास्टिक फेंकी जा रही है वो 1,64,332 टन प्लास्टिक वेस्ट है जो समंदर में दरिया के थ्रू जा रहा है। डॉन न्यूज़ ने ये खबर पब्लिश की है कि बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली का जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के स्कैंडल को प्रोब करने के हवाले से, उसकी मीटिंग हुई और डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उनको फाइनलाइज किया गया, और यूनिवर्सिटी विजिट वगैरह के हवाले से बातचीत हुई। ये दी नेशन ने खबर पब्लिश की है कि एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान ने अपना कंसर्न और रिजर्वेशंस शो की हैं, जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को डिसॉल्व किया गया। डेली टाइम्स ने एक खबर पब्लिश की है कि डॉक्टर असगर जैदी, प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी को GCU लाहौर का जो है वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये खबरें चल रही थी कि कोई बाहर से फॉरेनर जो है वो एज ए वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाएगा। ये पाक वाइड में खबर पब्लिश की है कि अक्सा कौसर बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग, और अक्सा कौसर जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने उनको जो है मशीन लर्निंग में गूगल ने एक तरह से रिकॉग्नाइज किया है। ये दी न्यूज़ की खबर है कि कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बेटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हरासमेंट है उस इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज़ की गई, जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है उसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, और इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है वो शामिल थे। इसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो 130 मुलाजिम हैं उनको रेगुलराइज किया गया जो डेली वेजर्स थे। देन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन के हवाले से जो फॉरेन स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जो प्रेसिडेंट दरवेश साहब हैं, और जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के हवाले से और बाकी जो कंडक्ट के हवाले से बातें की।